मनुष्य का साहस ही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे वो दुनिया की किसी भी मुसीबत से निकल सकता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ बादल वर्मा एंड वेलकम अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल आईएस पॉइंट। आई होप यू आर वेरी वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लासेस चैप्टर 5 पार्ट 2। व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर, अर्थात जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो पार्ट वन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों के लिए पॉलिसीज़ बनाई थी। तो उन पॉलिसीज़ से अब हो क्या रहा था, जो राजा रानी किसान और जमींदार थे यानी कि मनी लैंडर थे और आदिवासी थे और सिपाही थे, तो एक तरीके से उनमें विद्रोह हो रहे थे। वो विद्रोह क्यों हो रहे थे, एक तरीके से काफ़ी जो लोग थे, जो सैनिक थे, वो धर्म के हिसाब से यानी कि धर्म के मामले में पिछड़ते जा रहे थे, और जो आदिवासी थे वो पूर्ण तरीके से एक तरीके से स्वतंत्रता को महसूस नहीं कर रहे थे, यानी कि वो अपना मनचाहा काम नहीं कर पा रहे थे, एक तरीके से उनसे ज़बरदस्ती ही काम कराया जा रहा था। तो ऐसे में राजा रानी किसान जितने भी उस समय लोग थे, तो वो कंपनी रूल से केवल मुक्ति चाहते थे, यानी कि ब्रिटिशर से एक तरीके से मुक्ति चाहते थे। ऑलराइट, तो पार्ट वन में हमने इतना कवर किया था। जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया, तो ए मुटियानी बिकम ए पॉपुलर रिबेल। तो देखिए, तो आप लोगों को पता ही होगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय, तो देखिए, तो जब ये शासक और जो प्रजा थी उसके बीच जो संघर्ष हुआ करता था वो एक अनोखी बात नहीं थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और प्रजा के बीच अक्सर जो था वो संघर्ष चलता रहता था किसी ना किसी बात को लेकर के। लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतना फैल गया था कि जो राज्य की सत्ता थी वो छिन्न भिन्न हो जाती थी। बहुत सारे लोग मानने लगे थे कि उनका सबका शत्रु एक ही है। बहुत सारे लोग में कौन कौन से थे, जैसे कि राजा थे, रानी थे, किसान थे, बड़े बड़े मनी लैंडर्स थे, आदिवासी थे, सिपाही ही थे, तो उनको पता चल गया था कि जो उनका शत्रु है वो कौन था, एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ही उनका शत्रु है। तो उस शत्रु को एक तरीके से वो हराना चाहते थे और उनसे वो मुक्ति पाना चाहते थे, तो इसलिए वो सभी कुछ करना चाहते थे। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को एक संगठित होना पड़ता था। तो एक तरीके से अब इन लोगों ने किया क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से छुटकारा पाने के लिए अब वो संगठन एक तरीके से संगठित हो गए थे सभी लोग, यानी कि संगठन बना करके वो चाहते थे कि जल्द से जल्द ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्हें छुटकारा मिले, एक तरीके से स्वतंत्रता पूरी तरीके से मिले। इन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता था। ऑलराइट, तो देखिए, तो सैनिक विद्रोह किसे कहा जाता था, यानी कि सैनिक विद्रोह जो होता था यानी कि मिटियानी, तो इसे जब सिपाही यानी कि जो सोल्जर होता था जब इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों के हुक्म मानने से इनकार कर देते तो उन्हें एक तरीके से मिटियानी कहा जाता था, यानी कि सैनिक विद्रोह। ऑलराइट, तो देखिए, तो भारत के उत्तरी भागों यानी कि जो भारत का उत्तरी भाग यानी कि नॉर्थन था, तो उसमें 1857 में एक ऐसी स्थिति पैदा हुई उस समय जो फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। तो देखिए, तो मई में 1857 से शुरू में ही इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। तो मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग जो थे उस समय विद्रोह में उतर गए थे एक तरीके से। तो विद्रोह में उतरने का केवल यही कारण था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरीके से वो पूरा का पूरा एक तरीके से गुलाम बनाकर उस समय जो लोगों को रख दिया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से सभी लोग गुलामी से उनकी छुटकारा पाना चाहते थे। अब वो क्या था, तो आपने देखा ही होगा कि जब धीरे धीरे से सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहले व्यापार बढ़ाने के लिए लोगों से मतलब काम लिया। ऑलराइट, और फिर धीरे धीरे से खुद की ही यहाँ पर सरकार स्थापित यहाँ पर उन्होंने कर दी, और फिर धीरे से मुसलमानों को जो यानी कि मुस्लिम शासन था यानी कि मुगल साम्राज्य भारत पर शासन किया करता था उन दिनों, और जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने ही एक तरीके से जो परमिशन थी सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए बंगाल में दी थी। तो ऐसा करने के बाद उसके बाद तो इन्होंने पूरे भारत में यानी कि संपूर्ण पूरे भारत में इन्होंने अपनी सरकार को स्थापित कर लिया था। अब स्थापित क्यों कर लिया था, जो इनकी पॉलिसीज़ थी, अब जो इंग्लैंड में पॉलिसीज़ थी वो इंग्लैंड की जो पॉलिसीज़ थी वो पूरी की पूरी भारत में अपनाना चाहते थे। ऑलराइट, तो ये पूरा का पूरा जो था ये मुगल साम्राज्य का अस्तित्व खत्म करना चाहते थे और खुद को ये ऐसा दर्शाना चाहते थे प्रजा के नज़र में कि वही उनके मतलब दूर के नहीं हैं,
एक तरीके से उनके देश के ही हैं, तो ऐसा वो उनको दर्शाना चाहते थे। अब होने क्या लगा था कि ऐसे में ही कुछ लोग मानते थे कि 19वीं सदी से उपनिषेधवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र जो था वो संघर्ष था। तो सबसे बड़ा ये 1857 में संघर्ष चला था। ऑलराइट, तो अब देखते हैं। तो ये देखिए, तो आप जैसे कि चित्र 4 में देख पा रहे होंगे, तो कैवेलरी लाइन में युद्ध, तो 3 जुलाई 1857 को 3,000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया और यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। तो ये युद्ध जो था छोटा मोटा युद्ध नहीं था, इस युद्ध में एक तरीके से पहला जो था स्वतंत्रता संग्राम ये लड़ा गया था। ऑलराइट, तो देखिए, तो मेरठ से दिल्ली तक, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, तो 29 मार्च 1857 को जब युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर ने अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया, तो चंद दिन बाद मेरठ के तैनात कुछ सिपाहियों ने कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। तो सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ा गया है। तो देखिए, तो मैनली जो मंगल पांडे को फांसी दिलाई गई थी, तो क्यों वो फांसी दिलाई गई थी अब देखते हैं। तो जो तत्कालीन कारण रहा था ब्रिटिश शासन पर, तो तत्कालीन शासन यही रहा था कि वो इन्फल्स की जो बंदूकें होती थी तो उसमें शामिल किया गया था, तो उसको चलाने से पहले कारतूस पर एक तरीके से गाय और सुअर की चर्बी को चढ़ाया जाता था, तो जिससे दांत से उनको काटना पड़ता था। और इन कारतूसों पर जब वो काटते थे तो एक तरीके से मुस्लिम जो सैनिक थे और हिंदू जो सैनिक थे, एक तरीके से उनकी धार्मिक भावनाओं को वो विपरीत थी। तो विपरीत होने के कारण ही जब मंगल पांडे ने इस चीज़ का विरोध किया था, तो मंगल पांडे को विरोध करने के लिए ही फांसी पर लटका दिया गया था। उससे उसके बाद फिर इस विद्रोह में एक तरीके से जान आती चली गई, यानी कि फिर लोगों ने जो था इसका पूर्ण तरीके से विद्रोह करना शुरू कर दिया था। अब देखिए क्या क्या हुआ। तो 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और उन्होंने अफसरों का हुक्म न मानने से आरोप में 10-10 साल की सजा सुना दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। तो मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। तो 10 मई को जब सिपाही ने मेरठ के जेल पर धावा बोला, तो उसके बाद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया गया। तो उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी जो अफसर हुआ करते थे उस समय, तो हमला करके उनको मार दिया। तो उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिया और अंग्रेजों की जो इमारतें और संपत्तियों को आग लगाकर उनके हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। फिर सिपाहियों ने पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को ख़त्म करने पर आमादा जो थे वो थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों ने जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। तो सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था उस समय। तो वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल साम्राज्य के यानी कि शासक रहे थे, तो बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। तो मेरठ के कुछ जो सिपाही थे, एक टोली यानी कि 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई थी। तो जैसे कि उन्होंने आने की खबर फैली, तो दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने बगावत कर दी। फिर यहाँ से अंग्रेज अफसर मारे गए, देसी सिपाहियों ने हथियार वह गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह के मिलना चाहते थे, लेकिन बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा डीपली, तो डीपली अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो देखिए, जब बहादुर शाह को उनका नेता जो था वो घोषित कर दिया गया, तो फिर हुआ क्या। तो क्रांतिकारियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह को नेता में अपने क्रांति का जो था वो संचालन किया। वैसे मुगल शाह बादशाह जो थे अरक्षम और बुद्ध हो चुका था, और उस समय झमेले में वो उस समय पढ़ना नहीं चाहते थे। फिर भी क्रांतिकारियों के निवेदन से उन्होंने क्रांति का हिस्सा बनना पड़ा और सारे क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को निर्विवाद रूप से विद्रोह का नेता स्वीकार कर लिया। लेकिन वह हुआ जो होना था। बहादुर शाह नेतृत्व प्रदान करते हुए असफल रहे। वे बंदी बना लिए गए और उन्हें गिरफ्तार करके एक तरीके से जेल में रख दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। ऑलराइट,
तो अब देखते हैं, तो अंग्रेजों से पहले देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। तो जैसे हमने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, तो मुगल साम्राज्य का जो पूरा का पूरा शासन था वो संपूर्ण भारत पर, एक समय ऐसा था कि संपूर्ण भारत पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था, परंतु ज़्यादातर जो छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। अब वो ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे हुए थे कि बहुत सारे शासनों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। फिर अंग्रेजों ने इस घटना की उम्मीद ही नहीं थी, उन्हें लगता था कि कारतूसों पर मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय के लिए शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत की फिर अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है, और इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं बगावत किस तरीके से फैलने लगी थी। तो अब देखिए, तो जब दिल्ली से अंग्रेज़ के पैर उखड़ गए, यानी कि जब विद्रोह किया गया था, तो पूरी तरीके से एक तरीके से ऐसा विद्रोह किया गया कि अब अंग्रेज़ों के जो पैर थे वो पूरी तरीके से उखड़ने लगे थे। अब जब उखड़ने लगे तो हुआ क्या, जब इनके पैर उखड़ने लगे तो जाहिर है कि सब फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर भी जो विद्रोहियों का सिलसिला था वो शुरू हो गया। एक के बाद एक रेजिमेंट में सिपाहियों के विद्रोह कर दिया और वे अपने दिल्ली व कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोगों के साथ भी बगावतों के रास्ते पर निकल पड़ी। वे स्थानीय नेता, जमींदार और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए, लेकिन ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दशरथ पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे, उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। तो देखिए, तो एक तरीके से जब विद्रोह हुए तो विद्रोह होने के बाद काफ़ी ज़्यादा असमंजसता की स्थिति पैदा हो गई थी। तो यानी कि अब जो अधिकतम देश में मुद्दा चल रहा था तो वो विद्रोह को लेकर ही चल रहा था, यानी कि पूरी तरीके से बहिष्कार अब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के लोग करना चाहते थे। कुल मिलाकर भारत के लोग अब अंग्रेजों से स्वतंत्रता चाहते थे, परंतु इसी तरीके से ये विद्रोह जो था वो चलता रहा था। फिर जो नाना साहब थे उन्होंने जब खदेड़ दिया था इन सैनिकों को, तो उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया और उन्होंने ऐलान किया कि बहादुर शाह यानी कि बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है और लखनऊ की गद्दी से हटा दिया गया है। तो वे नवाब वाजिद अली शाह के बेटे विरजिस कद को ही नया नवाब घोषित कर दिया गया था। तो देखिए, तो जैसा कि आप चित्र 5 में देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे विद्रोह फैला तो छावनियों में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा। तो विद्रोह जब अधिक फैलने लगा तो अधिकतम जो लॉस हो रहा था वो ब्रिटिशर का ही हो रहा था, यानी कि अंग्रेजी जो अफसर थे वो अब मारे जाने लगे थे। ऑलराइट, तो देखिए, तो बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह बना लिया। उनकी माँ बेगम हजरत महल में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने लगी और बढ़ चढ़ कर उन्होंने इस चीज़ में हिस्सा लिया। फिर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह सिपाहियों के साथ भी जा मिले। उन्होंने नाना साहब की सेनापति तात्या टोपो के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। फिर विद्रोह जो थे दुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी, बहुत सारे मोर्चे पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद कर पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था, क्योंकि अब जितने भी लोग थे कुल मिलाकर एक तरीके से संगठित हो गए थे, यानी कि संगठन उन्होंने एक तरीके से बना लिया था। उन्होंने ठान लिया था कि अब हमें ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि कंपनी के गुलाम से आज़ाद होना है। तो आज़ाद होने के लिए अब होता क्या रहा था कि धीरे धीरे से अंग्रेजों को हराते जा रहे थे। तो अंग्रेजों को हराने पर अब आत्मविश्वास इनका जो था वो उस समय बढ़ता जा रहा था। तो खास तौर पर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की थी। फिर 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिससे उन्होंने अंग्रेजी के भय को व्यक्त किया था। तो देखिए, तो किस तरीके से व्यक्त किया था, तो हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाइयों से थक गए हैं और एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, तो इस तरीके का इन्होंने टेलीग्राम भेजा था। तो इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता थे वो सामने आए, उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अब्दुल्ला साहा ओलाइट ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अंग्रेजियों का जो शासन है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा।
तो अब्दुल्ला शाह के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो देखिए, जो फैजाबाद के मौलवी अब्दुल्ला शाह थे, तो उन्होंने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप ये भली भांति जान ही चुके हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही है। तो वह मूल रूप से मद्रास के रहने वाले थे और वे जनवरी 1857 के फैजाबाद आए थे। वे अवध की क्रांतियों में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक प्रमुख नेता बनकर उभरे। जब अंग्रेजों ने लखनऊ पर कब्जा किया, तो मौलवी अब्दुल्ला शाह रोहिल्ला का नेतृत्व करने लगे और ये पुतेन के राजाओं मौलवी की हत्या कर दी गई। इस व्यात के बदले उस धोखेबाज राजा को अंग्रेजों के द्वारा एक तरीके से 5,000 रुपये उपहार स्वरूप मिले। तो उस समय एक तरीके से इनको धोखे से मार दिया गया और जिसने इसको धोखेबाजी से मारा था उसे 50,000 रुपये का इनाम जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दे दिया गया था। ऑलराइट, तो इस तरीके से भी हुआ। तो देखिए इसमें और क्या बताने की कोशिश की गई है। तो वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है, इसी आधार पर उन्होंने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। यानी कि एक तरीके से उन्होंने संगठन बनाकर अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने की ठान ली। अपने समर्थकों के साथ वे अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे और दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी कि धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए और बरेली के सिपाहियों को बख्त खान के लड़ाकों एक विशाल टुकड़ियों के साथ दिल्ली की ओर कूच दिया गया और इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। यानी कि उस समय एक काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में ये उभरे थे। ऑलराइट, तो उस समय विद्रोहियों सिपाहियों के साथ दिया गया एक महीना में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और तमाम इलाकों का नेता और लड़ाके में युद्ध में हिस्सा लेते रहे थे। ऑलराइट, तो अब देखते हैं। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं चित्र 6 में, तो ब्रिटिश टुकड़ियां जो विद्रोह पर हमला करती है, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले दाएं तथा सलीमगढ़ किले और बाएं पर कब्जा किया हुआ था। तो देखिए, तो दिल्ली के लाल किले और यानी कि ये पूरी तरीके से आप देख पा रहे होंगे नाव के रास्ते और अन्य रास्तों पर भी इन्होंने पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ था। अब देखते हैं आगे क्या बताने की कोशिश की गई है। तो कंपनी का पलटवार, तो पहले हम चित्र 7 पर नज़र डाल लेते हैं। तो विद्रोही सिपाहियों मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। तो शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किले वदी के तोड़ने में मुश्किल हुई और 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार गोले आधा पहुँचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे जिन्होंने हाथी खींच रहे थे और इनकी कतार 7 मील लंबी थी। तो देखिए कितनी भारी मात्रा में एक तरीके से उस समय हथियारों को इकट्ठा किया गया था इस विद्रोह को निपटाने के लिए। अब देखते हैं कि क्या हुआ। तो कंपनी का पलटवार किस तरीके से हुआ। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। तो अंग्रेज कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड और फौजी मंगवाए। तो इंग्लैंड से और भी ज़्यादा जो थे वो फौजी मंगवाए थे, यानी कि ब्रिटिशर को भी और ज़्यादा बुलवा लिया गया। यानी कि उनकी जो अब सेना थी वो कमज़ोर पड़ने लगी थी विद्रोहियों के सामने। तो विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए, यानी कि नई नई अब पॉलिसीज वो बनाने लगे थे और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल शाह बहादुर शाह यानी कि बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई और उनके बेटे को भी उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। तो उनकी जेल में मृत्यु हुई थी। तो आपसे काफ़ी बार ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कि किस मुगल शासक की जो मृत्यु हुई थी वो जेल में हुई थी। तो जेल में हुई थी तो किसकी हुई थी, बहादुर शाह जफर की। ऑलराइट, तो काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन भी ये भी पूछ लिया जाता है कि एक तरीके से 1857 की क्रांति के कौन कौन से प्रमुख नेता है। तो अब देख लेते हैं, जैसा कि हमने इसमें बात की, सॉरी, जैसे कि हमने इसमें बात की कि मौलवी अहमद दुल्ला और कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल और नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर, तो ये प्रमुख नेता है इस संग्राम के यानी कि 1857 की क्रांति के। तो इसमें इस तरीके से हुआ। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा फिर से जो हो गया था, अब कब्जा क्यों हो गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी एक तरीके से अब जो सेना को इतना ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया गया था कि जो संगठित लोग भी थे वो उनका सामना करने से अब डरने लगे थे। यानी कि एक तरीके से अब जो ये विद्रोह था पूरी तरीके से शांत पड़ चुका था।
फिर दिल्ली ज्योति फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गई थी। फिर दिल्ली पर अब अंग्रेजों का कब्जा होने जाने लगा था। यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था, विद्रोह फिर भी चल रहा था। तो इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की और विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। तो 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को भी शिकस्त होने पर मात दिया गया। तो तात्या तोपो मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। तो छापामार युद्ध किन की सहायता से चला? आदिवासी और किसानों की सहायता से, यानी कि किसानों और आदिवासियों का जो सहारा थे उस समय एक तरीके से ब्रिटिशर ही थे, परंतु जंगलों में रहते हुए जो ये जंगलों में रहा करते थे, जिन्हें एक तरीके से बाहरी समाज और बाहरी दुनिया का नहीं पता था, उनके द्वारा ही ये युद्ध चलाए गए। और फिर जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोही को उत्साह मिला था, उसी तरह से विद्रोही ताकतों को हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी, क्योंकि अब वो धीरे धीरे से रोज मतलब एक तरीके से जब विद्रोह चल रहा था तो ब्रिटिशर से जो विद्रोही थे तो वो हारने लगे थे, तो उनकी हिम्मत अब टूटने लगी थी। तो बहुत सारे लोग ने विद्रोहियों के साथ छोड़ दिया और अंग्रेजों ने भी लोगों को एक तरीके से का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि वे जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोहियों को किया था उसने कहा कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दे और अगर उन्होंने किसी भी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। उसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं को पर मुकदमा चलाए गए और उसके उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो एक तरीके से उन्होंने एक चाल के जरिए उन लोगों को फंसाने की कोशिश की, क्योंकि एक्चुअली था क्या कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना मतलब शासन चला रही थी तो अधिकतम लोगों की बस यही शिकायत थी कि अधिक से अधिक उनसे राजस्व ना प्राप्त किया जाए और उनका जो जमीनी कब्जा है वो परंपरागत तरीके से चलता रहे। तो इन्हीं शिकायतों के चलते अब यानी कि वो धीरे धीरे से विश्वास जमाना चाहते थे कि अगर तुमने मतलब किसी भी अंग्रेजी सिपाहियों का युद्ध मतलब नहीं मारा या आप मतलब आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो इस तरीके से वो चाहते थे कि वो आत्मसमर्पण करें। परंतु उनके बाद समर्पण करने के बाद भी उन्होंने यानी कि ब्रिटिशर ने छल से एक तरीके से उन पर केस चला दिया और केस के चलते ही उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो जैसे कि आप चित्र 8 में देख पा रहे होंगे, तो अंग्रेज दुपड़ियाँ दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती है। तो समय कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा दिया गया था। कब उड़ा दिया गया था? जब एक तरीके से 1857 का विद्रोह चल रहा था। तो विद्रोह के बाद के साल तो अब देखते हैं, तो अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक यानी कि 1859 तक इस देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था। यानी कि ये 2 साल में ही निरंतर लड़ाई करने के बाद, यानी कि 1857 में ये विद्रोह चला था मंगल पांडे के नेतृत्व से, फिर उसके बाद 1859 यानी कि 1859 में पूरी तरीके से नियंत्रण इन्होंने पा लिया था। लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे। यानी कि जो पहली जनता के लिए उन्होंने अपनी प्रजा के लिए पॉलिसीज ला रखी थी तो उनके जरिए वो अब शासन नहीं चला सकते थे। अब अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वो इस तरीके से थे, यानी कि अब वो निम्नलिखित इस प्रकार से थे। तो जैसे कि आप चित्र 9 में पहले हम देख लेते हैं कि अंग्रेजी टुकड़ियां कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती है और फिर ध्यान से देखिए कि किस तरह कलाकार ने अंग्रेजी सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए दिखाया है। तो देखिए तो किस तरीके से इन्होंने बहादुरी से विद्रोह पर यानी कि धावा बोलते हुए दिखा रखा है। तो देखिए तो ब्रिटिश संसद यानी कि पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसने 1858 में एक नया कानून पारित किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादातर बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। तो उस समय एक तरीके से नई जो थी यानी कि ब्रिटिशर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब वो शासन चलाने के लिए नई नई पॉलिसीज लाना चाहती थी, क्योंकि पुरानी पॉलिसीज के जरिए अब वो शासन नहीं चला सकते थे। तो एक तरीके से एक मंत्रिमंडल बना दिया गया था। तो शासन से संबंधित मामलों को संभालने के लिए जिम्मा सौंप दिया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी काउंसिल कहा जाता था, यानी कि इंडिया काउंसिल कहा जाता था। तो भारत के गवर्नर जनरल को
वायसराय का ओहदा मिला। तो वायसराय, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत के गवर्नर जनरल को कौन सा ओहदा दिया जाता था? तो ऑप्शन में काफ़ी बार ये पूछ लिया जाता है, तो वायसराय आपको आंसर राइट होगा। तो इसी प्रकार से इंग्लैंड के राजा रानी का जो निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया, फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली, यानी कि उस समय 1859 में पूरी तरीके से भारत को अपने कब्जे में ले लिया था। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। अब देखिए, तो दूसरा क्या किया था, दूसरा बदलाव, तो देश के सभी शासकों को भरोसा दिया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा, उन्हें अपनी रियासतें, अपने वंशजों, यहाँ तक कि दस्तक पुत्रों को भी सौंपने की छूट दे दी गई। लेकिन उन्हें यह बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें, और इस तरीके के भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। तो देखिए, तो यानी कि एक तरीके से जो शासक भी थे उस समय, तो शासकों को भी पूर्ण तरीके से छूट दे दी गई कि भाई आप जो आपकी ज़मीन है वो आप किसी के भी आप नाम कर सकते हैं, यानी कि आपके किसी भी काम में कोई भी दखलंदाजी नहीं दी जाएगी। परंतु उन्होंने आश्वासन दिया कि इस तरीके से आपको हमारे भी टर्म एंड पॉलिसीज माननी पड़ेगी। तीसरा जो बदलाव था, तो तीसरा बदलाव इस प्रकार है कि सेना ने भारतीय सिपाहियों का जो अनुपात कम करने के लिए यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। यह भी तय किया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत में सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। तो देखिए, तो इन्होंने पहली बात तो जो भारतीय सिपाहियों के अनुपात में अधिकतम जो ये सिपाही अब चाहते थे, तो यूरोपीय सिपाहियों को इन्होंने लेने का, यानी कि मान लीजिए कि अगर 100 सिपाहियों ने इनका चुनाव करना है, तो 70 सिपाही ये यूरोपीय यानी कि अपने देश के रखेंगे और 30 सिपाही जो है वो भारतीय रखेंगे। ऑलराइट, तो ऐसा क्यों था? क्योंकि अगर कभी इन फ्यूचर कोई विद्रोह होता है तो इनके सिपाहियों की जो संख्या है वो फिर भी ज़्यादा, इनकी पावर जो है वो बनी रहे। तो इस तरीके से इन्होंने अब अपनी नीतियों में बदलाव लाने की एक तरीके से वो दिखाई। तो यह भी तय कर लिया गया कि उस समय एक तरीके से जो गोरखा और सिखों में पठानों की ज़्यादा मतलब सिपाहियों की भर्ती उस समय की गई। तो फिर चौथा जो बदलाव आया था, फिर मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा और अंग्रेज़ों को लगता था कि अब ये विद्रोह उन्होंने हो खड़ा किया था। तो उन्हें लगता था कि एक तरीके से मुग़ल साम्राज्य, यानी कि जो मुग़ल थे, तो मुग़लों ने अपना वापस आधिपत्य पाने के लिए ही विद्रोह को खड़ा किया था। ऑलराइट, तो एक तरीके से ये भी चौथा जो था उन्होंने बदलाव किया था। तो अब ये भी देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हुई। तो जैसा कि आप ये मानचित्र देख पा रहे होंगे, थोड़ा धुंधला है परंतु चले हम आपको बता ही देते हैं। तो चित्र 10 में उत्तरी भारत में विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र थे। तो जो लाल में आप देख पा रहे होंगे जो रेड स्पॉट्स है, तो विद्रोह के कुछ मुख्य बिंदु है और ये अन्य कुछ केंद्र हैं। तो देखिए, तो दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, झांसी, तो ये प्रमुख जो थे ये केंद्र थे। और जो विद्रोह के अन्य केंद्र थे वो थे महू, जबलपुर, सागर, नागौर, प्रतापगढ़, जालंधर, सियालकोट, लाहौर, फिरोजाबाद और सहारनपुर, ये तमाम जो थे एक तरीके से अन्य क्षेत्र थे उस समय प्रमुख। तो अधिकतम आपसे अगर विद्रोह के प्रमुख केंद्र पूछे जाए, तो काफ़ी बार ये भी पूछ लिया जाता है कि यूपीएससी एग्जाम्स में भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख विद्रोहों में से कौन सा एक मुख्य केंद्र नहीं है। तो मेरठ, बरेली, फैजाबाद और लाहौर, तो लाहौर इसमें मुख्य केंद्र नहीं है, ये एक अन्य केंद्र है। तो इसमें आपका जो है वो लाहौर जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अन्यत्र में भी आप देख लेते हैं। तो देखिए, तो परम शांति के लिए एक स्वाभाविक साम्राज्य की खातिर, तो जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, तो उसी समय चीन में, दक्षिणी भारतों में भी एक विशाल ज्ञान यानी कि जन विद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह 1850 से शुरुआत हुआ और 1860 के मध्य में जाकर ख़त्म हुआ। हांग जियो आंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीबी लोगों और परम शांति के स्वाभाविक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी गई और इस विद्रोह में ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाने लगा। तो देखिए, तो काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1857 में जब भारत का विद्रोह हो रहा था, तो उसमें 1850 में एक विद्रोह जो था वो जन विद्रोह यानी कि जनता के द्वारा किया गया विद्रोह जो था वो शुरू हो रहा था। कहाँ पर हो रहा था? चीन में, यानी कि जिकुआंग के नेतृत्व में हुआ था। ऑलराइट, तो उस समय जो था एक तरीके से
इन्होंने विद्रोह किया था और ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो इस युद्ध को जायपिंग विद्रोह कहा जाता था। तो हांग जियो आंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया है और वे कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइवान के विद्रोहियों में एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाए, जहां किसी भी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्गों और स्त्रियों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। तो एक तरीके से अच्छा वो शासन चलाना चाहते थे, परंतु जनता के विद्रोह जो थे इसको एक तरीके से वो चाहते थे, यानी कि जो जनता थी वो ये चाहती थी। परंतु चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग यानी कि किंग साम्राज्य के बादशाह को काफ़ी मदद दी। ऑलराइट, अब देखिए तो पांचवा जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था, तो अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। तो देखिए, तो ये तो बात आज भी है। मान लीजिए कि वर्तमान समय में जैसे कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, तो अगर वो मान लीजिए कि जाति को लेकर भेदभाव करे तो कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर कोई भी जो राजा है यानी कि कोई भी जो शासक है, अगर वो सभी धर्मों का सम्मान करेगा तो उससे जो अधिकतम लोग हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे, यानी कि उनको वो ज़्यादा फॉलो करेंगे और उनकी बातों को मानेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से अंग्रेजों ने भी इसी नीति को अपनाया। तो एक तरीके से वो भारत के लोगों के लिए अब अच्छा बनना चाहते थे, यानी कि अच्छा वो अपने आप को दिखाना चाहते थे, यानी कि अच्छा शासन कर कर वो दिखाना चाहते थे। तो भूस्वामी, और देखिए तो छठा बदलाव क्या था, तो भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारियों को स्थापित देने के लिए नीतियाँ बनाई गई थी, यानी कि अब उनका ही जमीन पर स्थापित करने के लिए एक तरीके से नीति उनके द्वारा यानी कि पॉलिसीज जो थी वो बनाई गई थी। तो इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ था, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद फिर जो अंग्रेजों का सुशासन का करने का तरीका था और जो पॉलिसीज थी वो बिल्कुल अब डिफरेंट हो गई थी। फिर इसके बाद ही एक नया चरण 1857 के बाद इतिहास का शुरू हो गया था। ऑलराइट, और इसी के साथ आज का ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में 1 तारीख से यानी कि 1 अगस्त से UPSC की जो सीरीज़ है, यानी कि सिलेबस वाइज यानी कि प्रीलिम्स परीक्षा की ओर लेकर, तो सीरीज़ वो चलाई जा रही है, जिस पर डे बाय डे जो है क्विज़ भी चलाए जाएंगे। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑलराइट, तो इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।